गाइस आप सबों को हमारे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए हमारे घर में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं मकर संक्रांति का। हाँ। लेकिन जैसा हम लोग गांव में करते थे गाइस, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए तिल, तिल लेके आए हैं और यहाँ पे इसको ही ये जो है ना ये रामदाना इसको बोलते हम लोग गाँव में, और इसको ही इधर जो है ना लोग तिल गुड़ बोलते, तिल गुड़ बोलते हैं। दोनों मिला करके हम लोग यहाँ पे चढ़ाएंगे। और गांव में तो आप लोग को मालूम ही है कि मुढ़ी काला है, चूड़ा काला है, तिल काला है। हाँ। ये सारा कुछ बना के फिर ये हो गया मुढ़ी काला है। और तिल काला है तो भी सफेद ही होता है ना, सफेद काला होता है, काला भी होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे घर में हो रही है आज पूजा की तैयारी। लोहरी की भी बोला जाए, मकर संक्रांति भी बोलते हैं, लोहरी भी बोलते हैं। तो माला भी यहाँ पे सारा कुछ करेगी, उसके बाद जो है आगे दुकान से लेके आए हैं जो भी सामान, तो उसके साथ हमारा आगे का प्रोग्राम रहेगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए माला जो है पूजा आरती कर ली, अब हम लोग को लगा रही है टीका। मुझे भी। हाँ तुझे भी लगाएंगे मम्मी, तुझे भी और मम्मी को भी लगाना पड़ेगा ना। हाँ लो इधर मेरा ये। हाँ तुम्हारा ये सब टीका लगा दीजिए। टीका मम्मी को भी दे दो। अब जो है हम लोग चलते हैं किचन रूम में और दिखाते हैं कि माला क्या सब लेके आई है आज हमारे घर में जो बनने वाली है ना। और ये भी प्रसादी निकाल रही है प्रसादी खाने के लिए। दो तृप्ति को दो, आप अपने हाथ से ले लीजिए। बोलते बड़े खिलाते हैं छोटे को। ऐसा है क्या तिल गुड़? हाँ हाँ लो बेटा आ करो, क्योंकि हमेशा सेवा करना चाहिए छोटे 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 को खिला जाता है ताकि सेवा बड़े करना। सेवा करना चाहिए, बड़े अगर बुड्ढे हो जाएंगे तो। मैं बहुत छोटी हूँ इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लेके आई हूँ दूध, और सोची थी मैं कि खिचड़ी बनाऊंगी दूध का और गुड़ का, पर गुड़ मिल रहा था पर आधा केजी का मिल रहा था, मुझे उतना लेना नहीं था। तो मैं सोची कि खीर ही बना लूँगी, उसमें तिल डाल के बनाऊँगी। और ये लेके आई हूँ सोयाबरी, आलू सोयाबरी की सब्जी और पूरी। तो फ्रेंड्स हमारे घर में तो खीर बन के तैयार हो गया, और अब यहाँ पे गूंधा जा रहा है आटा। माला देख पा रहे हैं आटा गूंध रही है, और आलू भी उबल के पक चुका है। तो अब जस्ट बनने वाला है आलू का दम और पूरी पक्ष में, मकर संक्रांति त्योहार के उपलक्ष में। तो आप लोग क्या क्या खा रहे हैं ना आज के दिन कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग भी जो है ना गाँव में जब थे तो बहुत कुछ खाते थे, आज के दिन तो उन सभी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। 12 पकवान 12 पकवान तो नहीं होता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो खास रहता था। और जो लोग गांव देहात से उनको मालूम रहता है कि गांव में किस तरीके से मकर संक्रांति को सेलिब्रेशन किया जाता है, खाया जाता है खाना वाना बना के। हाँ। है ना, तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।
फाइनली यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा आज का जो मकर संक्रांति का त्योहार का जो भी खाना बनाया है, माला यहाँ पे निकाल रही है और देखिए कितना खुश मिजाज होके निकाल रही है। और देखिए आज हमारे घर में आपको सुबह में ही बताया था ना क्या सब बनने वाला है, तो कुछ इस तरीके से माला ने बनाई है। ज़्यादा तो कुछ नहीं था हमारे यहाँ अवेलेबल, तो जो भी अवेलेबल था सारा कुछ हम लोग जो है ना आज ये त्यौहार को मना रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और आ जाइए हमारे घर पे, आप लोग भी हैं आमंत्रित खाने के लिए मकर संक्रांति का त्यौहार जो भी हमारे घर में माला ने बनाई है। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरीके से हमसे भी अच्छे तरीके से आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और संक्रांति का जो त्यौहार है इसको पूरे परिवार के साथ मिलजुल के मनाएंगे होंगे, क्योंकि हमारा तो पूरा परिवार साथ में है नहीं और हम लोग है परदेश में, आपको मालूम है। तो जो भी हमारे यहाँ अवेलेबल हुआ उसी में हम लोग अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं। कैसी लगी ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, बाय, बोलो तृप्ति, बाय।